बीबी तो जैसा कि आग लगाने वाली बीबी। वाह, ये जो है ना सिंपल डॉगी नहीं है बेटा। तो शॉपिंग वीडियो हमारा खत्म हो गया। आग लगाने में माहिर है वो। तो ये मेरी बीबी को देख रहे होंगे कितना चीज लूटी है, ये प्रूफ है। अब मेरी बीबी चालू करेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो मैं आ गई हूँ लेके अपना शॉपिंग हॉल। जो मैं इतना सारा शॉपिंग क्यों जो बोल रहे, इतना भर भर के सामान खरीदे दिखाते हैं क्या क्या लिए है, और सारा जरूरत का सामान है, कोई भी फालतू सामान नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को फुल वॉच करें, जो आप लोग करते नहीं है आजकल, तो प्लीज प्लीज फुल वॉच करें। और वीडियो हमारा किसी भी रीजन पे अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में जो हमारे चैनल पे नए आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने वीडियो हमारी अच्छी लगे तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अपना शॉपिंग, और शेयर करते हैं कि क्या क्या शॉपिंग किए हैं हम अपने लिए। यह सब कुछ मिक्स शॉपिंग किए हैं यहाँ पे, सब कुछ घर का डेकोरेशन से लेके और कपड़े उपड़े सब कुछ है। तो चलिए एक एक करके आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से करें वो सोच रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट करें। वे वे वे, तो चलिए सबसे पहले डॉगी से स्टार्ट करते हैं। ये जो है ना सिंपल डॉगी नहीं है बेटा, स्पेशल है बीबी। चलो निकलो यहाँ से, जब आते जब भी कुछ। तो ये है डॉगी, ये टॉय नहीं है, खेलने वाला चीज नहीं है। तो ये हमारे पति को बहुत पसंद पड़ा। ये है एक्चुअली क्या है पता है, ये है स्टॉपर, जो डोर के पीछे लगाते हैं ना वो स्टॉपर है। और इसका वजन 1 kg अराउंड है, मतलब पता नहीं इसके अंदर क्या भरा हुआ है, लेकिन 1 kg के अराउंड है। और ये देखिए क्यूट क्यूट सा डॉगी है, और इसका प्राइस अगर बोला तो अराउंड कुछ 7-8 यूरो के अराउंड होगा। हाँ, इसका केजी देखिए 1.4 kg है। 1 kg से हम थोड़ा सा कम बोले थे, 1 kg से ज्यादा ही है, 1.4 kg है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक एक करके रखते चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये है हमारा एक प्लांट जो लेके हम आए हैं, और ये प्लांट है आर्टिफिशियल प्लांट है, और ये ना बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था, तो इसको बोले हम लोग लेते हैं इसको। इस प्लांट को हम लोग सोच रहे हैं कि आर्टिफिशियल प्लांट है, तो इसको सोच रहे हैं कि बाथरूम में लगाएंगे। तो ये पता नहीं क्यों हमको बहुत अच्छा लगा, एक नजर में पसंद आ गया और हमको था कि लेना है, तो एक ये लेके आए हैं। हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा लगा हमको, लुक इसका बहुत सुंदर लगा। और सबसे अच्छा लगा कि मेरे टॉयलेट का जो नीचे का एरिया है वो ब्लैक है, तो ये ब्लैक पॉट है, तो उसके साथ रहेगा ब्लैक और ग्रीन का कॉम्बिनेशन। वैसे भी हमारे घर का थीम ही है व्हाइट ग्रे ब्लैक और ग्रीन, जो प्लांट का तो मुझे शौक ही है, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था लुक में, तो एक ये लिए है। चलिए इसको साइड करते हैं। तो दो आइटम अभी तक हो चुका है, अब तीसरा चलते हैं। पहले बड़ा बड़ा आइटम खत्म कर देते हैं, उसके बाद ये छोटा छोटा आइटम में आएंगे। और एक ये देखिए, ये दिख रहे हैं, दो पुतला लेके आए हैं यहाँ पे, इसको साइड करो भैया। तो ये बच्चा का पेंट खुला है और ये लड़की यहाँ पे शर्मा रही है, ये देखिए। तो ये दोनों इतना क्यूट लग रहा था ना, इतना ये बोले कि ये हम गार्डन के लिए लिए, अपने गार्डन में डेकोरेशन समर डेकोरेशन के लिए कुछ अलग चाह रहे थे, तो हम दूसरा पसंद किए। ये बोले ये लो, एक साइड ये रखेंगे और दूसरे साइड ये रखेंगे। तो ऋषित को भी यही चाहिए था, उसको बहुत अच्छा लगा, पता नहीं क्यों वो बच्चे का जो पेंट खुला हुआ उसको बहुत हंसी आ रहा था, बहुत ज्यादा हंसी आ रहा था। ये देखिए और ये देखिए, ये बेचारा ऐसे शर्मा रहा और ये आंख बंद की हुई है, तो अच्छा लग रहा था। इसको हम बात इसको हम गार्डन में लगाएंगे, और कहाँ पे लगाएंगे तो जब लगाएंगे तो आप लोग को दिखाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है, बहुत ज्यादा क्यूट। तो आप लोग को कैसा लग रहा है ये जरूर बताइएगा। ये तो ये हो गया हमारा थर्ड आइटम, नेक्स्ट आते हैं इसको खत्म करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा पूरा बास्केट पूरा बर्तन से भरा हुआ है, तो यहाँ पे हम लेके आए हैं डिनर सेट का, डिनर प्लेट लेके आए हैं।
तो अभी कुछ चेंज एक ही प्लेट को देख देख के होता है ना कि बोर हो गए हैं, तो वो व्हाइट पुराना वाला जो सेट है हमारा व्हाइट का सेट है, और ये इस समय हम ये ग्रीन का सेट लेके आए हैं। तो ये हम टोटल लाए हैं 8 पीस लाए हैं, और ये देखिए इतना सुंदर हमको लगा ना, और इसमें साइन भी है और डिजाइन भी है, बहुत ही खूबसूरत है। इसका कुछ अराउंड हम 8 पीस लेके आए हैं। 8 हमारा ये प्लेट है, और यहाँ पे हम लेके आए हैं ये बाउल टाइप का बिग बॉल है, और 8 ये लेके आए हैं, इसका सेट ये रहा। तो ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। आप लोग बताइए, इसका हमने 8 पीस का सेट लाया, 8 लाए हैं, 8 ये है और 8 ये है। तो जैसे मैगी वगैरह के लिए ये बहुत अच्छा होता है, या सर्विंग बाउल अगर थोड़ा सा आइटम अगर बना रहे हैं सब्जी वगैरह रखने के लिए तो ये बेस्ट है। और ये स्नैक्स प्लेट हो गया, और वो हमारा डिनर वाला हो गया। तो इसका हम लेके आए हैं 8 सेट, ये देखिए। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये देखिए, एक ये लेके आए हैं और एक ये, ये दोनों मेरा क्या है पता है आप लोग को, ये है हमारा जो हमने मटर लगाया है, वो मटर अब ग्रो कर रहा है, तो ग्रो कर रहा है तो उसको ऊपर हैंगिंग के लिए कि ऊपर जाए, तो उसके लिए ये दो लेके आए हैं। तो और लाना होगा क्योंकि और प्लांट्स जब लगेंगे तो फिर और लेके आएंगे। तो ये दोनों हम गार्डन के लिए लेके आए हैं, अपने जो मटर के प्लांट है उसको हैंगिंग करने के लिए, जो ऊपर की तरफ वो फैले। प्लेट हमारा हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये है एक हमारा, ये देखिए ये कढ़ाई, ये फिर से लेके आए हैं। एक जो पहले हम इसको लेके आए थे तो उसमें हम रुमाली रोटी इसको ऐसे टर्न करके बनाते हैं, तो एक हम ये एक्स्ट्रा ला के रखे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, रखने का भी जगह नहीं है सोचिए। नेक्स्ट है ये, एक ये है हमारा ग्रिल के लिए, ये ग्रिलिंग ग्रिल के लिए है। तो इसमें जैसे आप पिज्जा डो भी बना सकते हैं, या फिर आपके पास कोयला वाला अगर वो ग्रिल है उस पे भी ऐसे रख के आप ग्रिल कर सकते हैं। तो ये दोनों है बारबेक्यू का सेट, बारबेक्यू के लिए लाए हैं। जिसको हम दोनों या तो कोयले पे भी यूज करेंगे या नहीं तो ओवन में भी यूज कर सकते हैं। तो ये पिज्जा के लिए, पिज्जा बेस था वो हमारा खराब हो गया था, तो एक हम ये लेके आए हैं। तो सोचिए ये मल्टीपर्पज है, दोनों में यूज हो जाएगा, तो एक ये लेके आए हैं। और इसका प्राइस कुछ अराउंड 4 यूरो का है। ये अच्छा लगा थोड़ा ना, लास्ट टाइम वाला बहुत हल्का था, बट ये थोड़ा सा ठीक है, इसका क्वालिटी ठीक लगा। अब यूज करने के बाद पता चलेगा ना इसका क्वालिटी। तो चलिए ये हमारा हो गया। नेक्स्ट ये देखिए, अपना इंडियन स्टाइल का बोयम लेके आए हैं, क्योंकि हम बनाए हैं अचार, अचार के लिए बोयम कम पड़ गया था। तो ये देखिए, हम वो वाला लेना चाह रहे थे, ये बोले नहीं ये लो, ये इंडिया जैसा लग रहा है ये अचार रखने के लिए। तो यहाँ पे मैं इसका 2 पीस लेके आई हूँ अचार के लिए बोयम, क्योंकि अचार बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बन रहा है और ये हमारा बर्तन कम पड़ रहा है, तो हम यहाँ पे 2 पीस लेके आए हैं। नेक्स्ट और बनेगा तो फिर देखा जाएगा। ये देखिए, ये प्रॉपर कांच का है और इंडियन स्टाइल का लग रहा है कि हाँ, जैसे पहले मम्मी लोग अचार बना के बोयम में रखती थी ना, वैसा ही लग रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और लाए हैं चाय के लिए, तो है दो। जब चाय, हम लोग चाय बहुत ज्यादा पीते हैं, बहुत ज्यादा, तो जब भी मौका मिले बस चाय बना लो। दो है चाय वाला, लेकिन जब भी जाते हैं तो वो गंदा रहता, इसलिए एक ये लेके आए हैं एक्स्ट्रा रहे, ताकि जब भी चाय पीना हो तो जल्दी से बना ले, वॉश करने का जरूरत ना पड़े। ये बहुत हल्का है, बहुत हल्का है। तो नेक्स्ट है ये देखिए, ये हमारा बैग है। तो ये बॉक्स के अंदर में ये देख रहे हैं, ये गैस है, और गैस ये हमारा है, ये देखिए, ये यहाँ पे चार फोर लेके आए हैं। तो देखेंगे एक गैस जब लगाएंगे तो ये एक बॉटल लगाने पे कितना दिन यूज होता है, अभी हम लोग को आइडिया नहीं है। तो ये इसका 4 पैकेट लेके आए हैं, और इसको ओपन करके आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो इसका यूज मैं क्या करने वाली हूँ वो तो बाद में बताऊंगी आप लोग को, जब यूज करेंगे तो दिखाएंगे। इसको ले जा सकते हैं आप ट्रेवलिंग में जा रहे हैं तब ले जा सकते हैं, ट्रैकिंग में जा रहे हैं कहीं भी ले जाके अपने लिए कुकिंग कर सकते हैं। चलिए इसको ओपन करके आप लोग को दिखाते हैं। मस्त पूरा दिया हुआ है एकदम। इसको हम बहुत दिन से ढूंढ रहे थे, बहुत दिन से ढूंढ रहे थे कि हमको लेना है, फाइनली मिल गया, तो आई एम हैप्पी। ये देखिए, ये प्रॉपर इंडिया जैसा ही है, और गैस जो लगेगा ये जो है
ये उसका सिलेंडर मानिए जो भी बोलिए, ये गैस है और इसके अंदर ये लगेगा। इसको हम बाद में लगा के आप लोग को दिखाएंगे। और ऑन ऑफ आप यहाँ से पूरा मैनेज कर सकते हैं। और आगे में ये देखिए, ये पूरा पूरा बताया हुआ, पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि कैसे यूज करना है। तो इसको हम लोग यूज करके दिखाएंगे आप लोग को। तो हमने बीबी अपना दुकान तो दिखा दी होगी, ठीक है। तो एक आग लगाने का जो है ना प्रोडक्ट लेके आई है, वो आग लगाने में माहिर है वो। दिखाते हैं आग लगाने के लिए क्या अपना औजार लाई है। मुस्कुरा रही है उधर आग लगाने के नाम बीबी। तो जैसा कि आग लगाने वाली बीबी, आग लगाने वाली क्या है ये? ये देख ओपन हो गया। और चलिए इसको यूज कैसे करते हैं वो भी आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। ठीक है, इसको इंस्टॉल करते हैं वो जो गैस का कारतूस है ना, जिसके ऊपर में वो इसके ऊपर जो रेड कैप था उसको हमने निकाल दिया, रिमूव कर दिया। अब चलिए इसको लगाते हैं। तो लगाने के लिए यहाँ पे ये देखिए, यहाँ इसको जस्ट ऐसे करना। ये जो ऊपर वाला छेद है ना, ये ऊपर रहना चाहिए, ये इसमें फंस जाना चाहिए। ये हो गया, ठीक है। अब इसको बंद कर देते हैं। चलिए अब गैस हमारा लग चुका है, अब इसको करना है लॉक, यहाँ पे ऑन करना है। ये देखिए, चलिए इसको ऑन कर दिए। ऑन कर दिए तो यहाँ पे लॉक हो गया है, वो लॉक हो गया। अब चलते हैं, ये रहा। इसमें मेरे भी मस्त बैगन पकाएगी, ये देखिए। वाह, इंडिया ऐसा। आप बनाएंगे इसमें गर्मा गर्म फुलता हुआ रोटी। तो ये हम स्पेशली रोटी के लिए लाए थे, और कुछ कुछ करेंगे बैगन भी पकाने के लिए ना। बैगन का पता नहीं, अब डिसाइड बदल लिया, लेकिन रोटी के लिए मस्त है। देखते हैं एक ये जो बॉटल है कितना देर चलता है, ये देखना है हम लोग को, क्योंकि आइडिया नहीं है कि कितना देर चलेगा। और जब आपको यूज नहीं करना है तो इसको यहाँ से, और अगर आप इसको लंबे समय तक यूज नहीं कर रहे हैं तो आप इसको जस्ट ऐसे करके उसको निकाल लीजिए, निकाल लीजिए, क्योंकि इसमें नहीं छोड़ना है, डेंजर है। तो आप इसको निकाल लीजिए। इसका हमको बहुत शौक था, फाइनली ये हमारे घर में आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट है ये हमारा, ये देखिए, एक हम गोल्डन का डेकोरेशन मिरर लेके आए हैं, क्योंकि मेन डोर पे जहाँ पे दिए उसको चेंज करने के लिए लाए हैं, वहाँ भी गोल्डन ही लगा हुआ है, तो उसको चेंज करके ये वाला हम सोच रहे हैं लगाने का। इसको दिखाते हैं आप लोग को। इसमें भी 3 पीस है, ये देखिए, और ये हैंगिंग ही है, एक ये है और इसका एक ये पीस हुआ, ठीक है, और एक ये रहा जी। तो आप या तो ऐसे भी लगा सकते हैं, मिडिल में इसको रख के और ये दोनों साइड में लगा सकते हैं, या फिर आप ऐसे। तो मेरा जो एंट्रेंस पे डेकोरेशन है वो ऐसे है, तो जब भी मुझे लगाना होगा तो एक ऊपर, उसके बाद मिडिल में, और उसके बाद ये। आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है ये, मुझे तो बहुत पसंद पड़ा इसलिए मैंने लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये देखिए, ये कपड़े। तो यहाँ पे कुछ कपड़े हमारे हैं और कुछ मेरे पति देव जी के, अगर उनके लिए नहीं लेंगे तो फिर वो चिल्लाने लगते हैं कि अपना ही लेती है, हमारे लिए कुछ नहीं लेती है। ये एक टी शर्ट है, वाइट में है, ये एक टी शर्ट लेके आए हैं वाइट में, और एक है हमारा ये देखिए, इसी का एक वाइट है और एक ये कलर है, एक सेम इसमें ग्रे कलर का है, एक ये वाइट में है, और दो लाए हैं जो सेट में है, तो उसमें शॉर्ट्स भी लगे हुए हैं, ये देखिए, ये उसका शॉर्ट्स है। तो इसका हम दो लेके आए हैं, एक ये और एक ये। इसमें फ्लावर है, व्हाइट का ये है लेकिन इसमें फ्लावर बना हुआ, तो ये एक सेट है, इसमें भी प्रॉपर ये शॉर्ट्स लगे, शॉर्ट्स हैं, ये देखिए। तो दो हमारा ये है, दो हमारा टी शर्ट है। तो ये हो गया हमारा, और एक इनके लिए लेके आए हैं, और यहाँ पे एक टी शर्ट है, ये इनका है, ये पोलो टी शर्ट है। तो व्हाइट इनको बहुत पसंद था, तो बहुत दिन से हम लोग ढूंढ रहे थे व्हाइट मिले, तो एक ये व्हाइट लेके आए हैं, और सेम इसी में दो और लेके आए हैं, घर के लिए लेके आए हैं, ये भी एक व्हाइट है और ब्लैक है। इसको ओपन किया जाए तो इसका दो पीस लेके आए हैं, एक ब्लैक में लेके आए हैं थोड़ा डिफरेंट है, और एक ये व्हाइट में लेके आए हैं। तो बस हो गई हमारी शॉपिंग, और तो कुछ भूले नहीं है, क्या कुछ भूले हैं? नहीं, कुछ नहीं भूले हैं। तो इतना सारा हमारा शॉपिंग हुआ था,
तो चलिए फाइनली हमारा सारा शॉपिंग कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा हमारा ये शॉपिंग हॉल, और कैसा लगा हमारा ये वीडियो जरूर बताइएगा, और कौन सा सामान आपको अच्छा लगा मेरे इस सारे शॉपिंग में जरूर जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आप वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं। वीडियो हमारा किसी भी रीजन पे अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। जरूर कमेंट कीजिएगा कैसा लगा हमारा आज का ये शॉपिंग हॉल।